नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और बात करते हैं कि बैंक रिटायरीज की डीए एनोमली पे। फ्रेंड्स, अगर हम रेजिडुअल इशू की लिस्ट देखें जो 8 मार्च 2024 को 12th बाइपार्टाइट और 9th जॉय नोट के साथ साइन हुआ था, तो उसमें 11वां पॉइंट ये था कि डीए स्कीम फॉर ऑल पेंशनर्स टू बी एट द यूनिफॉर्म इंडेक्स ऑफ 8088 पॉइंट्स। लेकिन 6 माह बीतने वाले हैं और इस पे अभी कोई सार्थक चर्चा आईबीए और यूओपीयू द्वारा नहीं किया गया। जैसा कि आपको सबको पता है कि 1 नवंबर 2022 से के बाद जो रिटायरीज हैं उनका डीए कैलकुलेशन मर्जर 8088 पॉइंट्स और 2016 इंडेक्स बेस पे हो रहा है, जबकि बिफोर उसके यानी कि 1 नवंबर 2022 के पहले के जो रिटायरीज हैं उनको ये सुविधा नहीं दी जा रही है। आप कह सकते हैं कि एक ही संस्था में दो अलग अलग के डीए के रेट दिए जा रहे हैं, जबकि यूएफबीओ और आईबीए ने इस बात को माना है कि इस डिस्पैरिटी को, इस एनोमली को दूर करना चाहिए और इसीलिए रेजिडुअल इशू में इंक्लूड किया। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में क्यों देरी कर रहे हैं, जबकि इससे बैंकर्स को न इस सुविधा न मिलने से उनको नुकसान हो रहा है। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। वी टेक वन एग्जाम्पल ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर रिटायर्ड बिटवीन 1 नवंबर 2017 टू 31st अक्टूबर 2022, यानी कि अलेबिन बाइपार्टाइट। ओल्ड पैटर्न ऑफ डीए, वी एज्यूम बेसिक पेंशन ₹100 और उस पर डीए अगस्त 24 में जो पेएबल होगा वो 15.12%, यानी कि टोटल पेंशन 100 प्लस डीए दैट इज द 50.12 रुपीज इक्वल टू ₹150.12, यानी कि उसे ₹150.12 पेंशन मिलेगा। और अगर हम ये देखें कि अगर बेसिक पेंशन के डीए मर्जर 8088 पॉइंट करते हैं दैट इज द 30.38, टोटल बेसिक पेंशन विल बी 100 प्लस 30.38 दैट इज 130.38। और डीए एज पर द न्यू पैटर्न फॉर अगस्त 24 इट विल बी 17.20%। अब उसके हिसाब से जो डीए होगा वो 22.40 होगा, यानी कि कुल पेंशन मिलेगा 130.38 प्लस 22.42 दैट इज 152.80। अब हम देखें डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस न्यू पेंशन 152.80 वाइल ओल्ड पेंशन दैट इज द 150.12, यानी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2.68, यानी कि देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 2.68 रुपीज ऑन 100 रुपीज। सो यू कैन से कि द लॉस टू द पेंशनर ऑफ अलेबिन बाइपार्टाइट सेटलमेंट इज 2.68% ऑफ द बेसिक पेंशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 24, यानी कि एक माह में 2.68% का लॉस हो रहा है। अगर आप सपोज कर लीजिए कि आपका बेसिक पेंशन 40,000 रुपीज है तो इट मल्टीप्लाइड बाय 2.68% मीन्स 1,072 रुपीज। सो दिस पेंशनर विल गेट लेसर अमाउंट ऑफ पेंशन ड्यू टू द डीए ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पैटर्न। द परसेंटेज लॉस विल बी एज पर द सेटलमेंट, यानी कि इस हिसाब से आपको 1,072 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर हम इसी तरह से एक एजम्पशन करें तो आप समझ लीजिए कि हमें जो बाइपार्टाइट वाइज जो लॉस होगा वो आपको बता दूं कि अलेबिन बाइपार्टाइट में 2.68%, वाइल 10th बाइपार्टाइट में 4.68%, 9th बाइपार्टाइट में 9.02% और 8 बाइपार्टाइट में 11.33%। यानी कि अगर आप जिस
आप बाइपार्टाइट में शामिल हैं, उस बाइपार्टाइट में अगर आपका जितना बेसिक पेंशन हो उसकी इतने जो मैंने परसेंटेज बताया है उतना का लॉस आप फेस कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल आपने, मैंने आपको शेयर किया द परसेंटेज विल इंक्रीज एज पर द सेटलमेंट इज ओल्डर, इफ एनी पेंशनर वांट्स टू नो द लॉस इन पेंशन रिटायरिंग। तो अगर आप इसके अलावा भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर जिस जो परसेंट, उस परसेंटेज को अपने बेसिक पेंशन में कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि आपको पर मंथ अगस्त 24 से कितना लॉस होगा। और अगर इस मल्टीप्लाई करके आप 12 मंथ का देखें, सपोज कर लीजिए डीए, तो भी आपको 12,000 से लेके लगभग 16,000-17,000 का नुकसान हो रहा है। सो यूनियन को भी चाहिए कि, और आईबीए को चाहिए कि इस तरह की डिस्पैरिटी को तुरंत दूर करें ताकि सीनियर सिटीजन्स का, पेंशनर का लॉस रिकवर हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।